Archives of Prasar Bharati presents The Timeless Treasure of Golden Era. स्वर्गीय श्री नीलम संजीवा रेड्डी के अंतिम संस्कार का स्थल। अंतिम संस्कार से पूर्व उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का जन्म 19 मई 1913 को आंध्र प्रदेश अनंतपुर जिले के इल्लुरू गांव में हुआ। एक किसान परिवार में, सामान्य किसान परिवार, और वे सच्चे माने में धरती पुत्र थे। आशा निराशा, जय पराजय के बीच सदैव एक समान रहे स्थित प्रज्ञ। अपने खेत और गांव में नींबू के पेड़ को वे कभी भी नहीं भूले, चाहे राष्ट्रपति भवन में हों या हों कहीं और। समाज के प्रति, देश के प्रति उनका जीवन समर्पित रहा। उन्होंने अपनी अंतिम सांस कल 1 जून 1996 को ली। खेत खलिहान से राष्ट्रपति भवन तक महत्वपूर्ण यात्रा रही। स्वाधीनता सेनानी थे वे, जुझारू व्यक्तित्व था। 1931 में 18 वर्ष की आयु में छात्रों के एक सत्याग्रह में भाग लिया। पढ़ाई छोड़ स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हुए। 1940 से 45 के बीच अनेक बार जेल गए, स्वयं पराधीन हुए। भारत माता को स्वाधीन बनाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए 1946 में मद्रास विधानसभा के सदस्य रहे और 1947 में संविधान सभा के सदस्य। संविधान रचना में विशेष योगदान रहा। 1949 से 51 तक मद्रास में कुमारस्वामी मंत्रिमंडल में मंत्री बने। राष्ट्र निर्माण में सतत रूप से लगे रहे। सैन्य अधिकारी, अंतिम संस्कार स्थल के निकट, जहां पर सबसे पूर्व बैंड। भारत के पूर्व राष्ट्रपति होने के कारण डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ। सेवारत सैन्य अधिकारी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, सशस्त्र सेनाओं के अर्थी को अपने कंधे पर ले चल रहे हैं। यही परंपरा रही है राष्ट्र नेता को अंतिम विदाई देने के लिए। और ऐसा नेता जो धरती से सदैव जुड़ा रहा, हार और जीत में एक समान। 1969 में राष्ट्रपति पद पर चुनाव हार जाने के बाद भी डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी ने अपनी हार को दार्शनिक रूप में लिया और कहा, एक किसान लोकोक्ति, जब खेत को बाढ़ ही खाने लगे तो फसल की रक्षा कौन करेगा। 1977 में सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष बने और फिर उसी वर्ष राष्ट्रपति पद पर आसीन सभी राजनैतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से, यह उनके महान व्यक्तित्व का परिचायक था। आज डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी हमारे बीच नहीं है। उनका पार्थिव शरीर अपनी अंतिम यात्रा में अंतिम संस्कार स्थल की ओर। आत्मा तो नित्य है, न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि से जला सकती है, न पानी इसे गीला कर सकता है और न हवा इसे सुखा सकती है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। और शरीर के न रहने पर आत्मा जब शरीर से निकल जाता है तब भी आत्मा का हनन नहीं होता। अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणो,
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा जन्म नहीं लेता, मरता नहीं, आत्मा तो सदैव रहता है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, शरीर के मर जाने पर भी नहीं मरता। आत्मा रूप में डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी वैदिक दर्शन के अनुसार कहीं और जन्म ले चुके हैं। फ्रॉम ए पेजेंट टू द प्रेसिडेंट, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी हेल्ड ट्रू टू हिज पर्सनैलिटी। ए मैन हु रोज फ्रॉम अम्बल बिगनिंग्स टू बिकम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी, हु डाइड इन बेंगलोर यस्टरडे, वॉज वन ऑफ द मोस्ट इलस्ट्रियस लीडर्स ऑफ आवर कंट्री। सैन्य अधिकारियों ने सलूट दिया पार्थिव शरीर को, सैन्य परंपरा के अनुसार सम्मान। राष्ट्रीय ध्वज से जो शरीर पर उड़ाया है, मुखाग्नि देने के पूर्व राष्ट्रीय ध्वज उतार लिया जाता है और तब पार्थिव शरीर को चिता पर रख करके मुखाग्नि दी जाती है। डॉक्टर रेड्डी कंबाइंड अर्थी विजडम विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम हिज पेजेंट बैकग्राउंड, अ वेरी वाइज मैन इंडीड, वेरी प्रैग्मेटिक इंडीड। पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्ह राव पुरोहित वैदिक रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। सैन्य परंपरा और वैदिक परंपरा का सम्मिश्रण। प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा इस अवसर पर उपस्थित हैं, नरसिम्ह राव जी के बाएं तरफ भावमग्न। ससम्मान राष्ट्रीय ध्वज को चौपर्त कर ससम्मान अलग ले जाते हैं। Dr. Reddy was born on May 19, 1913 in Iluru village of Anantapur district in the Rayalaseema region from Andhra Pradesh. He always called a spade, that was his way of life. Beginning his political career as a member of the Madras Assembly in 1946, he went on to become a member of the Constituent Assembly just after independence in 1947. He held ministerial posts in the Madras state and was the office bearer of the Andhra Pradesh Congress till the late 50s. It was in 1960 that Dr. Reddy returned to the centrist stage of the Congress politics. In 1962, he returned to his home state as Chief Minister. Neelam, as he used to be popularly known, also had two stints as Union Minister earlier. The climax came in 1977, when he was elected unanimously as the Speaker of the Lok Sabha. All the parties backed him, supported him, and again the same year when he was elevated to the highest post of the country, the President of India, it was again an election held unanimously.
Dr. Reddy himself used to say that at times he was misunderstood because he did not have the finesse which only diplomats have. After all, he was a son of the soil. His simplicity, his accessibility to the common man were his greatest assets. President Dr. Shankar Dayal Sharma is personally present to pay his homage to the departed soul. Annam Brahme Divya Janat Annat Yeva Kalvimani Bhutani Jayante Annena Jatani Jeevanti Annam Prayantya Bisambishandite Vijnaya Punare Vavarundam Pitaram Upasasara Adihi Bhagavo Brahmeti Tagam Havacha Tapasa Brahma Vijignasasva Tapa Brahmeti Tapato Tapyata Satapastaptva Prano Brahmeti Vyajanat Prana Dyeva Kalvimani Bhuta Jayante Prane Najata Nijivanti Pranam Prayantya Bisambishantiti Tad Vijnaya Punareva Varunam Pitaram Upasasara Adihi Bhagava Brahmeti Bhagam Brahma Vijignasasva Tapa Brahmeti Satapadapyata Satapastatva Vikra Brahmeti Vyajanata Manasasya Vakalvimani Bhuta Nijayanti Manasajata Nijivanti Manaprayanta Visambishanti Satvijnaya Unare Vavaryam Vitaramupasasara Adihi Bhagava Brahmeti श्री संजीव रेड्डी जी की अंतिम यात्रा आरंभ होने को है। इस समय उनके पार्थिव शरीर को चिता में रखा जाना है। वैदिक रीति से हो रहे इस दाह संस्कार में वैसे तो अन्य धर्म के प्रतिनिधि भी अपने प्रवचन कर रहे हैं, परंतु क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वैदिक रीति से उनका दाह संस्कार किया जाए, दाह संस्कार की पूरी तैयारियां हो गई हैं और अमृत वचन के साथ उनको अब अंतिम विदाई दी जानी है। उनके पार्थिव शरीर को चिता में रखने की तैयारियां हो गई हैं। शोकाकुल परिजन, मित्रजन, इष्टजन उनके एक समय रुक सा गया है, गतिविधियां ठहर सी गई हैं। देखिए आप उनका अंतिम संस्कार होने के लिए उनका पार्थिव शरीर चिता में रखा जा रहा है। प्रतिष्ठिता
और अपने कर कमलों से पुष्पांजलि आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता तदन्नमन्ने प्रतिष्ठन्ते प्रतिष्ठति अन्नवानं नादे भवति महां भवति प्रजनन पशति ब्रह्मवत्सेन वापस आ रहे हैं। चारों ओर उदासी सन्नाटे का वातावरण है। अब सेना की ओर से उनकी चिता पर पुष्पांजलि अर्पित की गई है। Wreaths were also placed on behalf of the Vice President, Mr. K. R. Narayanan, and the three service chiefs. The Chief Minister of Karnataka, Mr. J. H. Patel, is climbing the funeral pyre to place the wreath. कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री जी एच पटेल जी ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि स्वरूप पुष्पांजलि अर्पित करके अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। वे श्रद्धांजलि अर्पित कर वापस आ रहे हैं। अब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। शोकाकुल श्री राव जी ने पुष्पांजलि अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय Sanjeev Reddy, five decades, both of them were involved in the freedom struggle and have shared limelight in Andhra Pradesh. चिता के पास अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए श्री सिद्धरामैया जी ने अपनी श्रद्धांजलि पेश की और अब उनके बाद में अन्य गणमान्य अपनी प्रतीक्षा में हैं कि वे जाकर के अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। मंत्रोच्चारण के मध्य सारा आकाश गूंज उठा है इस अंतिम क्षण की विदाई के समारोह से। चारों ओर दुख का वातावरण है, लोग शोकाकुल हैं, शोकातुर परिवार, शोक संतप्त परिजन, मित्रजन अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देने के लिए एकत्र हुए हैं और एक एक करके अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आचार्य
प्रजागंधम सैनिक अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। विप्रगण अपनी क्रिया में लगे हैं और लगता है कि वह समय अब बहुत दूर नहीं जब उनके इस पार्थिव शरीर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया जाएगा। पांच तत्वों का यह शरीर पांच तत्वों में मिल जाएगा। उनके सुपुत्र डॉक्टर सुधीर अपने पुनीत कर्म का पालन करते हुए अपने स्वर्गीय पितृ को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए अपना कार्य पूरा करेंगे। All those present at the crematorium are standing up as the last post is being sounded by the military band. Even as the last post is being sounded, Nilamrati, Sanjeev Reddy's son, is carrying an earthen pot filled with water around the pyre. इस धुन के साथ ही उनकी अंतिम यात्रा समाप्त होने को है। ये पार्थिव शरीर कुछ ही समय में चिता की लपटों में लिपटकर शून्य में लीन हो जाएगा और इस समय आप देख रहे हैं कि सेना के तीनों वर्गों के अधिकारी अपनी सलामी से उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। धार्मिक मंत्रोच्चारण के मध्य अब उनके शरीर विदाई दी जा रही है। उनके पुत्र डॉक्टर सुधीर की चिता में अग्नि देने जा रहे हैं। तो यह है उनका अंतिम सफर पूरा होता है। उनकी चिता को उनके पुत्र डॉक्टर सुधीर ने अग्निदाह किया और सैनिक अधिकारी अब उनको सलामी दे रहे हैं। मिलिट्री इन ट्रू ऑनर टू द फॉर्मर चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज ऑफरिंग अ गन सैल्यूट। सलामी के बाद भरे मन से तीसरी सलामी दी गई है। The funeral pyre has been lit by Neelam Sanjeev Reddy's son. His grandson is also coming up to place a sandalwood billet on the body. Other friends and relatives of the former president are also placing sandalwood logs on the body. Chita में अग्नि देने के बाद इस समय सभी मित्रजन इष्टजन परिजन अपनी ओर से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए चंदन की लकड़ी से चिता को सुसज्जित कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी विवल भाव से इन द एनक्लोजर वेयर वीआईपीस आर सीटेड दे आर ऑल स्टैंडिंग अप नाउ। मेनी ऑफ देम हैव हैड लॉन्ग एसोसिएशन विद डॉक्टर संजीव रेड्डी पर्टिकुलरली President Shankar Dayal Sharma, Dr. Chenna Reddy, Mr. P.V. Narasimha Rao, and in the last 2 years, Mr. H.D. Devegowda. For a number of years, when Mr. Sanjeev Reddy was in Bangalore, the Prime Minister, Mr. H.D. Devegowda, used to frequently call on him and consult him on various affairs. Kal ka vartman, aaj ka bhoot ban gaya hai. Kal जीवित होते हुए आज मृत हो गए हैं। आज वो इतिहास बन करके रह गए हैं, पर भारत का इतिहास उनको सदैव याद रखेगा
उनके किए हुए सुकार्यों के प्रति वे स्मरणीय रहेंगे। इतने साधारण जीवन जीने वाले व्यक्ति आज इस संसार में बहुत कम हैं। कृषक परिवार से राष्ट्रपति पद तक पहुँचने वाले वे एकमात्र ऐसे किसान नेता थे जो बिना किसी उलझन के अपने कार्य को पूरा कर पाए और सब लोगों के मध्य प्रिय बने रहे। अंतिम धुन। On one occasion, when I chanced to visit Dr. Sanjeev Reddy at his residence in Bangalore, there was a huge photograph of all the members of the Constituent Assembly. He pointed at the photograph and said, most of those who were members of that assembly were no longer alive, and he was one of those who was still alive. And he took pride in telling me that he often took his grandchildren and showed them each one of the distinguished members who were in that group photograph. Within a few years, Sanjeev Reddy also was one of those who ceased to exist from that portrait of distinguished personalities. चिता के मध्य निद्रालीन रास सपूत को यह कृतज्ञ राष्ट्र अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देता है और उनके किए हुए कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। उनके पुत्र पौत्र दोनों मित्र पंडित विप्रजन और दाह संस्कार के में लगे अन्य लोग उनकी चिता को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस प्रकार ये महान आत्मा आज से भूतपूर्व श्रेणी में आ जाएगी। चिता में लगी अग्नि धीरे धीरे बलवती होती जा रही है और जैसे जैसे ये बलवती होती जाती है पार्थिव शरीर शनै शनै समाप्त होने को है। वातावरण रुक गया है, समय ठहर सा गया है, घड़ियां टिक सी गई हैं। लगता है कि समय में कोई पड़ाव आ गया है। ऐसे क्षण में उनको अंतिम विदा देने आए लोग उनकी अमिट याद में एक स्वयं यादगार बन करके मूर्ति की भांति बने खड़े हैं। वर्षा का होना शुभ शकुन माना जाता है और लगता है कि बेंगलोर में इस समय वर्षा शायद इसी अवसर पर होने को है। प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने को हैं। वातावरण में एक अजीब सन्नाटा है, एक ओर कोलाहल है, दूसरी तरफ हलचल है और तीसरी तरफ अजीब सा सन्नाटा है जो ये कहते दिखा रहा है कि नीली लपटों में नीलम संजीव रेड्डी अब लिप्त हो गए। वातावरण शोकाकुल है, चारों ओर सन्नाटा है। विप्र जी अपना काम संपन्न कर रहे हैं,
वैदिक रीति से दाह संस्कार संपन्न हो रहा है। चिता अपनी सीमा की ओर बढ़ती जाती है और नीली लपटें अब रंग बदल कर धुआं कम करके बढ़ती जा रही हैं। ज्यों ज्यों लपटें बढ़ रही हैं त्यों त्यों पार्थिव शरीर पांच तत्वों में लीन होता जा रहा है। चिता पूरी जोर से धधक रही है। गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि अर्पित करके प्रस्थान कर रहे हैं। विशिष्ट जन शोकातुर खड़े हैं, परिजन शोक संतप्त हैं और ऐसे में अंतिम विदाई देकर के लोग जाने को हैं। ये धुआं बता रहा है कि धुंध में ही जीवन है, धुंध से आते हैं, धुंध में चले जाते हैं।